और फिलहाल में जो है बस आज जो है ना सिर्फ बस एक ही काम करना है कि आज जितना भी घर का इंगे टिंगे काम बिगड़ा हुआ है ये सब करना है। ये यहाँ से जो ईंटे हैं गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आप सबका स्वागत है फिर से आपके भाई के ब्लॉग में। और अभी फिलहाल में तुम्हारा भाई सो के उठा है और हमारे यहाँ पर ज़्यादा ठंड भी हो गई है और सुबह सुबह ठंड हो रही है तो इतना मन नहीं करता इतनी जल्दी उठने का। तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और मैं सुबह के 9 बजे उठाऊँ। और हमारा जो भाई छोटा वाला फहीम है वो भी फिलहाल में डाल रहा है भैंसों का गोबर वहाँ पे। देखो कानों में एयरफोन लगा रखे हैं लोंडे ने, ठीक है। ये भैंसों का गोबर डाल रहा है, इकट्ठा कर रहा है फिर डालेगा। और हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए एक ब्लॉग तो बनता है और मैं काफ़ी टाइम में ला रहा हूँ, 12-13 दिन हो गए हैं डाले ब्लॉग, तो इतना टाइम हो गया मुझे पता भी नहीं चली कब में इतना टाइम हो गया। तो यार बस तुमसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो बस आज तो कर दो कैसी भी करके, और इसे शेयर कर दो फैला दो, ठीक है। और हमारे ना पापा ने जो ना बहुत सारी भैंस पाल रखी है हमारे यहाँ पे, तो हर वक्त हम इन्हीं में ही लेके रहते हैं। ये सारी भैंस हमारे पापा ने पाल रखी है हमारे लिए, हमारे दूध की डेयरी है, ठीक है। किसी को दूध चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं उसे रिप्लाई दे दूँगा। ये वो जगह है यहाँ पे हमारी अम्मी गोबर पाती हैं ज़्यादातर, और 2 बकरी हैं हमारी और एक ये है मुस्कान, इसे तो तुमने देखा ही होगा, मैं इसके ज़्यादातर इसके साथ वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये हमारे छोटे वाला भैया इसके लिए नियार व्यार डालता रहता है। इतनी तंग करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हर वक्त जब मैं अंदर कमरे में चला जाता हूँ तो अंदर भी मेरे से लड़ती रहती है, चिपकती रहती है, और हमारी थोड़ी फेवरेट भी है। और आज इसे भी हम निलाएंगे, ठीक है ना, इसके शैम्पू से इसे निलाएंगे हम आज। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, बहुत ज़्यादा। तो गाइस पहले हम जो है डालते हैं गोबर, देखो कितना सारा गोबर है यहाँ पे और वहाँ पे भी पड़ा है थोड़ा बहुत ये रहा इधर। तो पहले मैं फहीम के साथ थोड़ा सा गोबर डाल देता हूँ क्योंकि यार बहुत सारा गोबर है, उससे अकेले से उठेगा नहीं, तो मैं भरता रहूँगा वो डालेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पल्ली तरफ की सफाई करेंगे या तो, या फिर मैं अपनी मुस्कान को निलाऊँगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा गंदगी हो रही है, वो थोड़ी गंदी भी हो रही है, नहाई भी नहीं है काफ़ी टाइम से, तो उसे निलाएंगे या तो आप मेरे साथ बने रहो। बस तुमसे एक ही काम है, वो मैंने तुम्हें बता रखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो, बस तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। और तुम भी सपोर्ट नहीं करोगे तो यार फिर क्या चाहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार भाइयों, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जा रहा, मतलब सब्सक्राइब करने से चैनल को कुछ नहीं जा रहा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को भी, जो मेरे दोस्त मुझे अगर दोस्त मानते हो तो, ठीक है। तो फिलहाल में अभी हम काम करते हैं, फहीम जो ताशला लेने गया, दूसरा ताशला लेकर आएगा। अभी फ़िलहाल में एक ही ताशला है मेरे पास, ये वाला, तो अभी दूसरा ताशला लेने गया फहीम, तो लेकर आएगा। तो गाइस फहीम ले आया ताशला और मैं भरवाता हूँ, ठीक है, मैं भरूँगा ये डालेगा, चलो। तो गाइस फ़िलहाल में जो है हम गोबर डाल के हो गए हैं कति निफ्राम, हमने सब जगह से गोबर उठा दिया है, जितना भी था सब जगह कहीं भी था सारा गोबर उठा दिया है। तो हम पहले लाइट आ रही है तो हम पहले नहलाते हैं मुस्कान को, ठीक है। अभी मैं मुस्कान को देखता हूँ किधर की तरफ है, वो बाहर है, को भग गई, तो पहले मुस्कान को पकड़ कर लाते हैं। नहीं भगी नहीं है, यहीं बैठी है बराबर, देखो ये बैठी, ठीक है। तो हम पहले मुस्कान को पकड़ेंगे और इसे नहलाएंगे, लाइट आ रही है मोटर से, ठीक है, चलो। तो पाइप हमने ही कर दिया बाहर है भैंस बकरी को निलाने के लिए, और बाल्टी भी धर दी है, तो अभी मैं मोटर के तार लगाता हूँ उसके बाद चलाएंगे। अरे ये दोनों भैया हैं, ठीक है, ये आज भैया हमारे साथ ही मुस्कान को निलवाएगा, ठीक है, ना इससे ना निलाना, मोटर से निलाना है, मोटर किस काम आएगी, और अमीर हैं अब थोड़े से, अब हम मोटर से निलाएंगे। पाइप मैंने दिखा दिया आपको और मैं अभी लाइट के तार लगा देता हूँ। तो पाइप
पानी तो चलन लगा हमारा। हाँ पानी आ गया, पानी चल गया है और मैं मुस्कान को पकड़ कर लाऊं। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, आज ये नहाई। गाइस अब मैं लाया हूँ इसके लिए शैम्पू, और हम शैम्पू से लाएंगे इसे। तो गाइस मुस्कान हमारी नहा ली है, नहा के रेडी होगी कहते ही। देख रहे हो बाल कैसे हो गए इसके, अब ये सूख जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। इसका थोड़ी सी जो है ना मतलब ऐसी हो रही थी काफ़ी गंदी, और ये खुजाती रहती थी हर वक्त, तो इसे आज नहला दी है और इसे अब एक डेढ़ हफ्ते बाद नहलाएंगे दोबारा से। अच्छा तो गाइस अमरूद खा लो। खैर अमरूद तो तुम नहीं खा पाओगे क्योंकि तुम काफ़ी दूर दूर के होगे, और फिलहाल में जो है बस आज जो है ना सिर्फ बस एक ही काम करना है, कि आज जितना भी घर का इंगे तिंगे काम बिगड़ा हुआ है ये सब करना है। ये यहाँ से जो ईंटें हैं यहाँ पे ईंट डालनी है, वहाँ वाली वहाँ पे ईंट पड़ी हैं कुछ, और यहाँ से पत्ते वत्ते सब हटाने हैं। मतलब आज जो भी करना है बस घर का काम करना है, तो मैं आप सबको बस घर का काम दिखाऊँ कि आज मैं क्या करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी अमरूद खा रहा हूँ, पहले अमरूद खा लेता हूँ। पहले हम इन्हें हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कुछ और काम जो होएगा। तो गाइस गड्डियां तो हमने लकड़ियों की बांध दी हैं, एक गड्डी ये बनी है, एक गड्डी ये बनी है, ठीक है। और ये हो गया बस सारा काम, बस अब जो है वहाँ से ईंट ढुलेंगी थोड़ी बहुत। तो गाइस ये वाली ईंटें हैं वो जिन्हें वहाँ वो ढोनी है हमें, तो अभी इन्हें फ़िलहाल में ढो देते हैं और यहाँ से सफाई करके ये भैंसों का जो सावधान है ये पीछे वाली अखोर बनाएंगे अब, तो इस वजह से यहाँ की सफाई कर रहे हैं ये भैंस, फिर यहाँ बंद करेंगी सारी। तो गाइस फिलहाल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ से हमने जो जितनी भी ईंटें थी सारी ये सब ख़त्म कर दी हैं, और यहाँ पर साइकिल खड़ी कर दी हमने, तो ईंटें सब ख़त्म हो गई हैं। तो आज है फ्राइडे और जुम्मे का दिन, तो फिलहाल में हम नहा धो के अब रेडी होते हैं, खाना वाना खाते हैं, भूख भी लग रही है बहुत तगड़ी, तो खाना वाना खा के फिर जो है जुम्मा पढ़ेंगे। गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो गया है नहा धो के, और जुम्मे का टाइम हो रहा है, तो हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चल रहे हैं, तो उसके बाद मिलूँगा मैं तुम्हें। तो गाइस फ़िलहाल में हम जुम्मा पढ़ के तो आ गए हैं जुम्मे की नमाज़, और पापा अगले भी ले आए नियाल करके भैंसों के लिए, और अब भैंसों के लिए काटेंगे कुट्टी। तो अभी फहीम रेत लगा रहा है उधर, वहाँ पे लगा रहा है वो मशीन में रेत, और तुम्हारा भाई अभी ऐसी मज़े ले रहा है। फिलहाल में हम भी कुट्टी कटवाते हैं, रेत में लगाऊँ उससे लगन। फिलहाल फाइनली हमने लगा दिया रेत, और अब ये वाले गोले कटेंगे, तो ये गोले काटते हैं ये वाले। Remember walk, left a mark, young guy gonna regular. We said them hardly ready, them a new type of artillery. We a boss, I know Tom and Jerry. Out the blue, I hit you with an airstrike. They not bad, like my air nice, it's a real sight. Guys, फिलहाल में तुम्हारे भाई ने जो है भैंसों को नियाल वगैरह डाल दिया है, कार्ड भी दिया, डाल भी दिया, ठीक है, सारी भैंस खा रही हैं। तो अब इतना ही कहना था आपसे कि वीडियो का करता हूँ लास्ट, और मैंने आज जो है ना अपने घर की चलनी के बारे में बताया कि तुम्हारे भाई क्या क्या करता है घर में और क्या क्या नहीं करता। तो ये सारा मेरे घर का सेटअप है, और मैं अपने घर में ही सारे काम करता हूँ। तो फिलहाल मैं बस तुम्हारी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मैंने तुमसे कह दिया है कि मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना वीडियो पसंद आए, या अगर नहीं आए तो मत करना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देना और आगे दोस्तों को शेयर कर देना अपने। तो मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए,
और ये मेरे बस घर की ही वीडियो खाली।